friends, this is Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do grade 10 science chapter 2 acid, basic and salt. तो इसमें एक बहुत ही important topic है, एक important question है आपकी class teacher भी जो है आप लोगों से जो आपका verbally आपका test होता है उसमें पूछ सकते हैं या फिर MCQ के form में भी statement में आ सकते हैं. तो please listen it carefully. The question is whether we should add acid in water or water in acid. मतलब हमको जो है क्या पानी के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए या फिर एसिड के अंदर जो है वो पानी मिलाना चाहिए. थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लग रहा है. वी शुड एड एसिड इन वॉटर मतलब पानी में हमें एसिड मिलाना चाहिए या फिर वॉटर इन एसिड या फिर हमको एसिड में जो है वो पानी मिलाना चाहिए. तो यहाँ मैंने जो है आपको एक दो छोटे से डायग्राम बना के बनाए हैं और उसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को करते हैं. तो आंसर तो इसका ये होगा कि वी शुड एड एसिड इन वॉटर. ठीक है, देखिए ये एक बीकर है, इसमें वॉटर इट इज हाफ फिल्ड विद वॉटर, इसमें जो है पानी भरा हुआ है. तो अब हमको एसिड को लेना है और ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बिल्कुल कम अमाउंट में हमको इस वॉटर के अंदर एसिड डालना है. अगर हम ऐसा करते हैं तो जो बर्न होने के हमारे चांसेस हैं, ज्यादा हीट इवॉल्व होने के चांसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो हमको क्या करना चाहिए, हमें वॉटर के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए, वो भी ग्रेजुअली बहुत ही कम क्वांटिटी में और धीरे धीरे. दूसरे डायग्राम में मैंने दिखाया है हमें एसिड, इस बीकर में आप देखिए एसिड एसिड जो है वो फुल है. तो हमको इस एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना चाहिए. अगर मैं एसिड के अंदर पानी को डालूंगी तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा. एक्सोथर्मिक मतलब इसमें जो है बहुत ज्यादा हीट निकलने लगेगी और वो जो हीट निकलेगी ना वो स्टीम की फॉर्म में आ जाएगी, भाप की फॉर्म में आ जाएगी और वो स्टीम हमारे फेस हमारे स्किन पर लग सकती है जिससे हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है. तो अगर आप एसिड किसी बीकर के अंदर है और अगर आप उसमें वाटर डालना चालू कर देते हैं तो इट कैन बी वेरी एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब ईएक्सएक्स मतलब बाहर निकलना और थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट. तो बहुत ज्यादा जो है हीट निकलेगी और वो हीट जो है आपका स्टीम की फॉर्म में हो सकती है, वो स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी और आपकी स्किन आपके हैंड्स को जो है डैमेज कर सकती है. तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें हमेशा वाटर के अंदर ही एसिड को मिक्स करना चाहिए, वो भी ग्रेजुअली और कम कम क्वांटिटी में, ना कि एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करना चाहिए. पेन डाउन दिस. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी एसिड की, क्या पढ़ी थी, जैसे एसिड जो है दे आर सॉर इन नेचर एंड लिटमस पेपर का कलर वो जो है ब्लू से जो है वो रेड में चेंज कर देते हैं. और अब एक अलग एक थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड के बारे में, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो जाती है. जैसे कोई भी एसिड होगा, HCl है, H2SO4 है, तो अगर उन एसिड को हम डाइल्यूट भी कर दें तो भी उनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम फ्लो करवाएं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनमें से फ्लो हो जाती है एसिडिक सॉल्यूशन में से. नेक्स्ट, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर वी गेट एसिडिक सॉल्यूशन, ऑल एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सेम ही चीज है, जितने भी एसिड सॉल्यूशंस हैं, चाहे हम एसिड को वाटर में भी डिसॉल्व कर दे, पानी ले हम और उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल दे और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं उस सॉल्यूशन में से, उस एसिडिक सॉल्यूशन में से जिसमें पहले वाटर है, वाटर में मैंने कोई एसिड डाला और वो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाती हूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस एसिडिक सॉल्यूशन में से फ्लो हो जाती है. तो एसिड का मतलब क्या है, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. नेक्स्ट, एक बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसिड के बारे में और आपका डेफिनेटली पेपर में आएगा. तो इस तरीके से पूछ सकते हैं, व्हाट विल हैपन इफ एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल. अगर कोई भी एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है
चीजें बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको लिख लीजिए और बहुत सारे एग्जाम्पल आप दूसरी बुक से रेफर भी कर सकते हैं इसको समझने के लिए और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी एसिड हो वो किसी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इफ एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल देन सॉल्ट विल बी फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। यहाँ पर इस जो है इस चीज को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, कैसे एक एसिड है H2SO4, ठीक है। H2SO4 को जब मैं जिंक में, Zn stands for zinc, जिंक में मिक्स करती हूँ तो एक सॉल्ट बनता है ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो ये क्या हुआ, जब हमने इस एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो एक सॉल्ट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। प्लीज पेन डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या पढ़ा, एक तो क्या करते हैं एसिड्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व भी कर देंगे तब भी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एसिड को अगर आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एक हमने क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया। H2SO4 इज अ एसिड और जिंक एक मेटल है, दोनों के रिएक्शन पर क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक यू सो मच।